राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड चौपाटी बना रहा है। इसके खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मोणत की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन और चक्का जाम का विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि एजुकेशन हब में किसी भी कीमत पर चौपाटी नहीं बनने देंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 1 जनवरी तक चौपाटी बनाने का प्लान रद्द नहीं किया तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। श्री मुणत ने एजुकेशन हब को बचाने के लिए शहरवासियों को आगे आने की अपील की है। नमस्कार, रायपुर साइंस कॉलेज रविशंकर भारती विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का कैंपस, उस कैंपस में चौपाटी का निर्माण कहां तक उचित है, ये सोचने का विषय रायपुर शहर की जनता और हम सबके लिए है। बंधुओं, वह पूरा कैंपस शिक्षण संस्थान के लिए आरक्षित है, खेल के लिए आरक्षित है। उसके रोड की विड्थ लगभग 240 फीट है, लेकिन उसके बाद में भी वो पूरे कैंपस परिक्षेत्र में राजकुमार कॉलेज से लेकर के रविशंकर विश्वविद्यालय तक कोई भी कॉमर्शियल गतिविधियां नहीं हो सकती है, वो प्रतिबंधित है। उसके बाद में भी नगर निगम की हड़तनिता, जहां IIM है, जहां यूनिवर्सिटी है, या साइंस कॉलेज है, या अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जहां पर ऑडिटोरियम है, इधर संस्कृत कॉलेज है, या सेंट्रल लाइब्रेरी है, नालंदा परिसर है, उसके बाद में भी वहां चौपाटी लाकर के जो गंदगी फैलाने का काम ये सरकार के नुमाइंदे लोग कर रहे हैं, मेरी उनसे कृतज्ञ प्रार्थना है। ये शहर आपका अपना है, ना आप रहोगे मैं रहूंगा, लेकिन कम से कम ये शहर तो सुरक्षित रहे, इस शहर को बख्श दे, मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है। और उसके बाद भी अगर आप नहीं है तो जनता के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते